नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के छपरा में बन रहे देश के सबसे बड़े डबल डेकर ब्रिज के बारे में। बिहार दिन प्रतिदिन विकास की एक नई ऊंचाई को छू रहा है। अपने कार्यों को लेकर बिहार देश में एक अलग ही पहचान बना रहा है। बिहार में सड़क पहले से बेहतर हुई है, ऐसे में आज हम जानेंगे बिहार में बन रहे देश के सबसे बड़े डबल डेकर ब्रिज के बारे में। यह ब्रिज बिहार के विकास में एक नई गाथा को लिखेगा। तो आइए अब जानते हैं बिहार के छपरा में बन रहे डबल डेकर ब्रिज के बारे में। देश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन अप्रैल 2014 में मुंबई में किया गया था। यह 1.8 किलोमीटर लंबा है, जबकि छपरा में बन रहा डबल डेकर फ्लाईओवर 3.5 किलोमीटर लंबा है और इस पुल की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। इस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की कुल लागत 411 करोड़ रुपए है। इसमें 240 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सड़क निधि से उपलब्ध होगी। डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा के भिखारी ठाकुर चौक से 400 मीटर पहले शुरू होगा। यह गांधी चौक और नगर पालिका चौक से आगे बढ़ते हुए जेल चौक से कुछ पहले नीचे उतरेगा। इस पुल का इस्तेमाल पटना से छपरा होते हुए सिवान जाने और सिवान से पटना जाने के लिए भी किया जा सकता है। छपरा की ही तरह बिहार की राजधानी पटना में भी यह डबल डेकर फ्लाईओवर प्रस्तावित है। यह कंकड़बाग पुल से लेकर अगम कुआं तक जाएगा। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण पर 411.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2019 को इस प्रोजेक्ट को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई थी। जब यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर ऊपर चढ़ने के लिए रैंप भिखारी ठाकुर चौक से गांधी चौक की ओर होगा। इस पर एबीएस स्कूल के समीप से चढ़ा जा सकेगा। यह 3520 मीटर लंबा डेक होगा। इससे गांधी चौक एवं नगर पालिका चौक होते हुए बस स्टैंड तक जाया जा सकेगा। इससे सिवान की ओर आने वाले वाहन भिखारी ठाकुर चौक होते हुए आरा, हाजीपुर और पटना जाने के लिए निकल जाएंगे। मुंबई के फ्लाईओवर की सड़कें समानांतर हैं, जबकि छपरा में बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर की सड़कें ऊपर नीचे गुजरेंगी। वहीं फ्लाईओवर का नीचे के डेक का रैंप पुलिस केंद्र स्थित मंदिर के निकट से शुरू होगा। यह 2500 मीटर लंबा होगा। इस डेक का इस्तेमाल कर गांधी चौक एवं नगर पालिका चौक होते हुए राजेंद्र सरोवर के निकट आना संभव हो सकता है। आरा, हाजीपुर और पटना की ओर से आने वाले वाहन इसका इस्तेमाल छपरा समाहरणालय, बस स्टैंड और सिवान जाने के लिए कर सकते हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण अगले 4 वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। निगम का दावा है कि जून 2022 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इस पुल के कैरेज की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। वहीं वाहनों के लिए प्रत्येक तल्ले की ऊंचाई भी 5.5 मीटर होगी। छपरा में इस फ्लाईओवर के बन जाने से जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आइए एक नज़र डाल लेते हैं देश के कुछ अन्य डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में। देश में अब तक का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर मुंबई में सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड पर है। यह 1.8 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2014 में हुआ था। महाराष्ट्र का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसे हम भारत रत्न जेआरडी टाटा फ्लाईओवर के नाम से जानते हैं, यह पुणे में है। यह 5 फरवरी 2014 से चालू है। देश की राजधानी दिल्ली के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर आनंद विहार टिकारी फ्लाईओवर का निर्माण 2016 में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर नरोदा व नरोला के बीच का डबल डेकर फ्लाईओवर भी देश का महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।